दोस्तों बात कर रहे तो मोबाइल फोन के अंदर पॉपअप कैमरा एक ऐसी चीज थी जिसे देख के लग रहा था कि यार ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी होगी। और ऐसी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी एक टाइम पे अंडर डिस्प्ले कैमरा भी लग रही थी, स्लाइडर कैमरा था, ट्रांसपेरेंट फोन को भी कहा जाता था, और यहां तक कि क्लेम किया गया था कि यहां पे होलोग्राफिक डिस्प्ले, प्रोजेक्टर, ये सब मोबाइल फोन में आएगा। यहां तक कि एक टाइम पे ये भी प्रॉमिस था कि मॉड्यूलर फोन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या? यहाँ पे 2024 चल रहा है, 5-6 साल पहले इन सब की बातें होती थी, लेकिन आज के समय में सब मोबाइल फोन से गायब हो गया है। यार इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या रीजन है कि आपको जो फ्यूचरिस्टिक जो फोन थे उसका जो प्रॉमिस था कोई भी कंपनी उसे फुलफिल नहीं कर पाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले बात करता हूँ पॉपअप की। पॉपअप कैमरा, स्लाइडर कैमरा, कुछ भी कर लो, फोन के अंदर एक मोटराइज मैकेनिज्म लगाया जाता था जिसके पीछे एक सेल्फी कैमरा था। हालांकि ये टेक्नोलॉजी 2018 और 2019 में पॉपुलर हो रही थी, वीवो ने शोकेस किया था, वन प्लस ने भी निकाला था अपना फोन। लेकिन इन सब के साथ एक दिक्कत यहाँ पर बताऊँ क्या थी कि यहाँ पे फोन के अंदर अपने आप को कम्प्लीटली बेजललेस बनाने का ट्रेंड था, और बेजललेस बनाने के चक्कर में फोन के कैमरा का तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था। इसी वजह से एक पॉपअप के अंदर लगाया गया था, इवन ओप्पो ने स्लाइडर कैमरा लगाया था, और इवन यहाँ पे सैमसंग ने भी स्लाइडर प्लस रोटेटिंग कैमरा ट्राई किया था। देखो फोन के अंदर ये सब करने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, और मोटर लगाने के साथ प्रॉब्लम ये कि उसकी ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी पे सवाल है, क्योंकि जो मूविंग पार्ट्स होते हैं ना किसी भी मोबाइल फोन के अंदर वो इतने ज्यादा रिलायबल कभी भी रहे नहीं। इसी वजह से जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो चीजें काम नहीं करते, क्योंकि एक मोबाइल फोन को दिन में आप कई बार अनलॉक करोगे, यहाँ पे उसका कैमरा को यूज करोगे, सेल्फी यूज करोगे, तो दिन में तो 50 बार वो ऊपर नीचे होता रहेगा, और साल डेढ़ साल में उसके अंदर की जो मैकेनिज्म है, जो मोटर है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, और मूविंग पार्ट्स यहाँ पे कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ऊपर से ड्यूरेबिलिटी कंसर्न है, बैटरी काफी ज्यादा खाता था, यहाँ तक कि फोन के अंदर स्पेस अलग यहाँ पर ले रहा था, IP रेटिंग फोन कंपनीज नहीं यहाँ पे प्रोवाइड करवा पा रही थी, और बीच का एक मिडिल ग्राउंड सॉल्यूशन था जो कंपनी ने ट्राई किया कोशिश करके कुछ नया करके, लेकिन ये चीज मार्केट में टेक ऑफ नहीं कर पाए। इवन आज के समय भी कोई कंपनी यहाँ पे पॉपअप कैमरा, स्लाइडर कैमरे के ऊपर काम नहीं करती, ना इसके बारे में बात करती है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी ना ये देखने सुनने में कॉन्सेप्ट वाली टेक्नोलॉजी थी, लेकिन लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं थी। और ऐसी बात करें तो उसी जमाने में बात होती थी यहाँ पे अंडर डिस्प्ले कैमरा की, कि फोन के अंदर आपको कैमरा जो रहेगा वो डिस्प्ले के पीछे मिल जाएगा। हालांकि आज भी एक फोन आता है जिसके अंदर डिस्प्ले के पीछे कैमरा होता है, सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 5, लेकिन कोई भी उसका यूज सेल्फी खींचने के अंदर नहीं करता। उसके पीछे का रीजन ये कि यहाँ पे अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा पुअर है, और आज के समय में सेल्फी कैमरा वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग फीचर है, जहाँ पे सेल्फीज भी अच्छी दिखानी और फोन के पीछे कैमरा डाल दिया सेल्फी की क्वालिटी बिगड़ जाएगी। जो सैमसंग ने इम्प्लीमेंटेशन दिखा ना वो छोटे मोटे वीडियो कॉल वगैरह का है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऊपर से फोन के पीछे कैमरा डालने के लिए जो पिक्सल्स होते हैं, जो पिक्सल डेंसिटी होती है, उसे भी यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ता है, और ये टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा दिन से टेक ऑफ नहीं कर पाई जितना ज्यादा क्लेम किया जा रहा था। इवन कुछ कंपनीज ने फोन्स वगैरह भी लॉन्च किए, लेकिन मार्केट में आज के समय में कोई भी कंपनी का फोन, कोई भी फ्लैगशिप इस तरीके का नहीं है, सब लोग घूम फिर के यहाँ पे ना पंच होल के पीछे आ गए, तो यार ये भी एक चीज है। और ऐसे ही बात करूं तो फोल्डेबल फोन तो आपको पता है वो मार्केट के अंदर आता है, लेकिन एक बात है कि फोल्डेबल से पहले रोलेबल की बात चल रही थी, और आज से नहीं, तकरीबन 7 साल पहले से इसके कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ। LG जैसी कंपनी ने इसका कॉन्सेप्ट दिखाया था, सैमसंग ने भी रोलेबल फोन का कॉन्सेप्ट दिखाया था। हालांकि फोल्डेबल तो मार्केट के अंदर आ गया, लेकिन रोलेबल का क्या हुआ? हालांकि फोल्डेबल और रोलेबल की टेक्नोलॉजी काफी हद तक सेम थी, दोनों में फोल्डेबल एमोलेड स्क्रीन का यूज किया जा रहा था, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी रहती है काफी ज्यादा डेलिकेट थी, इसे बना बना महंगा पड़ रहा था, और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि फोल्ड करके अगर आप उसे रखोगे फोन को तो आपका फोन जो रहेगा वो स्लैब जैसा रहेगा, लेकिन अगर किसी भी फोन को रोल करके रखोगे तो एक सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में आएगा, और जेब में कैरी करने में दिक्कत आ सकती है। ये कुछ कॉन्सेप्ट देखने सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन फोन के अंदर इतनी मैकेनिज्म, बैटरी, प्रोसेसर वगैरह डालना वो चीज है, और ये जो चीज है ना सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की चीज बन के रहेंगे। रोलेबल फोन हम कभी भी मार्केट के अंदर नहीं देख पाए, उसकी जगह यहाँ पे फोल्डेबल ले ली, जहाँ पे लोग मोबाइल फोन और एक टैबलेट दोनों का यूज साथ में कर सकते हैं, और वो चीज यहाँ पे मार्केट के अंदर धीरे धीरे अब पिकअप हो रही है। और ऐसी बात करें तो आज से 5-6 साल पहले एक और टाइप के फोन्स ने यहाँ पे मार्केट के अंदर जगह बनाई थी जो पॉपुलर थे, और वो थे गेमिंग फोन। चाहे असुस का ROG बात करें, नूबिया का रेड मैजिक देखें, या फिर बात करें यहाँ पे हम लेनोवो के लीजन की, अलग अलग कंपनी अपने गेमिंग फोन बना रही थी जिसके अंदर तगड़ी परफॉर्मेंस थी, और ऐसा लग रहा था यार फ्यूचर में यार गेमिंग फोन ही फ्यूचर होगा। लेकिन आज के समय में गेमिंग फोन्स तो मार्केट से टोटली आउट हो गए, इवन जो गेमिंग फोन्स रहते हैं नॉर्मल फोन्स के रूप में आपको देखने को मिलते हैं,
और जो स्पेसिफिक बटन्स लगा रहे थे, अलग अलग ट्रिगर्स लगा रहे थे, RGB लाइटिंग लगा रहे थे, सब चीज हो गई। इवन लेटेस्ट ROG फोन है ना, नॉर्मल फोन जैसा लगता है। सिंपल सी बात है कि गेमिंग फोन थे लेकिन उसको खेलने के लिए गेम्स नहीं है। और एक गेमिंग फोन का हार्डवेयर एक फ्लैगशिप फोन के हार्डवेयर के बराबर ही होता है, उससे ऊपर भी नहीं निकल पाता। इसी वजह से जो गेमिंग फोन होते हैं वो मार्केट के अंदर इतने सर्वाइव नहीं कर पाए। इवन लोगों का भी जो इंटरेस्ट और जो क्रेज एक जमाने में गेमिंग में वो करता था, वो भी तेजी से रिड्यूस हुआ है। आज के समय में ज्यादातर और मेजोरिटी लोग एक ऑलराउंडर फोन खरीदना चाहते हैं बजाय कि सिर्फ एक गेमिंग फोन के। इसलिए जो गेमिंग फोन का फ्यूचर है वो भी यहाँ पे नहीं रहा। और ऐसे ही कहानी आती है वॉच फोन की। आप लोगों को ऐसा मोबाइल फोन तो याद होगा ना, इसे आप हाथ में यहाँ पे पहन सकते थे, तो उसके अंदर सिम कार्ड लग जाएगा, कॉलिंग वगैरह कर सकते थे। यार ये कंसेप्ट भी यार बहुत पुराने टेम्पेस्ट टाइप की टेक्नोलॉजी आई थी। इवन आज के समय में फायर बोल्ट जैसी कंपनी ने वही पुराना फोन दोबारा से रीब्रांड करके यहाँ पे निकाल दिया। लेकिन प्रॉब्लम वही है यार कि एंड्रॉयड OS सारी चीज़ें अगर आप एक रिस्ट पे चलाओगे तो उसको चलाने के लिए पावर कहाँ से लाओगे, बैटरी ज़्यादा खाएगा, हीट कैसे मैनेज करोगे, और छोटे मोटे टास्क तो आप यहाँ कर लोगे लेकिन कोई लंबा चीज़ यहाँ पे करनी है तो वो करने में दिक्कत आएगी। कुल मिला के बात यह कि वॉच फोन का कॉन्सेप्ट भी आज का नहीं, कई सालों पुराना है। और देखा जाए तो वॉच फोन से बेटर ये चीज़ हुई कि स्मार्ट वॉचेस काफ़ी बेटर हो गई। और आज के समय में जो VR OS वाली वॉचेस आती है जिसमें LTE कनेक्टिविटी आती है वो यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाते। इवन उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो VR OS वाला जो रहता है ना वो एंड्रॉयड की तुलना में काफी बेटर और ऑप्टिमाइज रहता है यहाँ पे। और ऐसे ही बात करें तो फ्यूचर के फोन्स के बारे में एक बात बोली गई थी कि फ्यूचर में मॉड्यूलर फोन्स मिलेंगे। और एक टाइम पे गूगल ने भी अपना प्रोजेक्ट एरा दिखाया था जिसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होते थे, फोन के अंदर उसे इंटीग्रेट कर दिया जाता था और आपके लिए फोन तैयार, यानी प्रोसेसर का अलग, स्पीकर का अलग, डिस्प्ले का अलग। यार ये चीज देखने सुनने में बहुत कमाल की थी लेकिन मॉड्यूलर फोन्स कभी भी टेक ऑफ नहीं हो पाए। इवन एक जमाने में LG मोटोरोला ने भी अलग अलग मॉड्यूलर फोन्स निकालने की कोशिश करी थी, वो भी नहीं चले। देखो सीधी बात है कि अलग अलग मॉड्स को कोई खरीदना नहीं चाहता, लोग एक फुल फ्लेश्ड फोन खरीदना चाहते हैं। उसके बाद एक फोन को बनाने की कीमत ज्यादा हो जाएगी, लोग का रिफ्रेश साइकिल कम हो जाएगा और भी काफी सारे चैलेंजेस थे। इस वजह से मॉड्यूलर फोन से भी काफी सारी कंपनीज ने अपना रास्ता क्लियर कर दिया और गूगल ने भी बोल दिया यार हमारे बस का नहीं मॉड्यूलर फोन और ये चीज पे हम अब काम नहीं करने वाले। और ऐसे ही मार्केट के अंदर एक टाइम पे होलोग्राफिक डिस्प्ले चल रहा था, यहाँ पे फोन के अंदर प्रोजेक्टर को इंटीग्रेट किया जा रहा था, अलग अलग चीजें क्रिएट की जा रही थी क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर कुछ नया करने की कोशिश थी। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ज्यादा चीजें मोबाइल में डालेंगे तो उसकी बेसिक फंक्शनलिटी हिंडर होगी, जैसे कि हीटिंग को कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पे इनपुट कैसे देंगे। इसी वजह से काफी सारी चीजों को रिड्यूस कर दिया गया, यहाँ तक कि मोबाइल फोन के अंदर मल्टीपल डिस्प्लेस डालने की कोशिश की गई, आगे पीछे ऊपर नीचे। यार ये कॉन्सेप्ट भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा। और जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सक्सेसफुल है वो ज्यादातर फोल्डिंग फोन और जो रेगुलर फोन होता है ना उसी की टेक्नोलॉजी को और एनहेंस किया गया, दैट्स इट। और फाइनली अब मैं बात कर सकता हूँ ट्रांसपेरेंट फोन की। यार ट्रांसपेरेंट फोन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत पहले से, और ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंट फोन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। आज के समय में सैमसंग जैसी कंपनी, LG जैसी कंपनी ने भी चैट की चीजें बनाई है। LG का ट्रांसपेरेंट OLED TV तक आता है यहाँ पे। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि ट्रांसपेरेंसी वाली चीज अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, और ऊपर से मोबाइल फोन के अंदर देखा तो सिर्फ डिस्प्ले नहीं होता, डिस्प्ले के पीछे 50 चीजें होती है, उसके पीछे कैमरा होगा, प्रोसेसर होगा, यहाँ पे उसकी बैटरी होगी, वो सारी चीजें फिट करने में अभी भी दिक्कत आ रही है। और बाय द वे ट्रांसपेरेंट फोन बनाने के लिए कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि बाय द वे ट्रांसपेरेंट फोन बना दिया तो पीछे से किसी को भी पता चल जाएगा कि आप मोबाइल फोन पे क्या कर रहे हो, प्राइवेसी वहां पे हिंडर हो सकती है। तो हाँ यार इस टाइप की चीजें। इसके साथ ही काफी सारी कंपनीज ने जो फोकस इस समय थोड़ा अपने AR और VR के ऊपर करा है, AR ग्लासेस के ऊपर, तो वो एक चीज है यहाँ पे। इसके साथ ही आपको ये भी बता सकता हूँ कि मोबाइल फोन कंपनीज का फोकस आज के समय में जो करंट फोन्स होते हैं ना उनको रिफाइन करने के ऊपर ज्यादा है। ऐसा नहीं है जैसा आपसे 5 साल पहले होता था। 5 साल पहले फोकस ये था कि फ्यूचर की चीज बनानी है, फ्यूचर में क्या होगा, ये क्या होगा, वो उसके ऊपर फोकस नहीं है। अभी जो चीज है उसे हम और बेटर कैसे बना सकते हैं और करंट टेक्नोलॉजी का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर काम हो रहा है। और इसी वजह से जो फ्यूचरिस्टिक फोन का जो कॉन्सेप्ट हमें दिखाया गया था वो शायद अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन क्या पता फ्यूचर में चीजें बदल भी जाती है और कोई भी चीज आपको देखने को मिल भी जाती है। हमें देखते हैं आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या रहता है। बाय द वे आप लोगों को किस टाइप का फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पसंद है ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।